तो वो लोग कौन कह रहा है कि साकुरा बहुत ज़्यादा वीक है, एकदम यूजलेस है। हाँ मैं मानता हूँ पहले कि कुछ सीजन्स में ये बहुत ज़्यादा वीक थी, यूजलेस थी, हर वक्त कंप्लेन करती रहती। नारुतो वीडियो में ग्रैंड मास्टर नाडे के पास ट्रेनिंग लेने के बाद ही अचीव स्पीड, हीलिंग पावर, अभी थोड़ा बहुत दिमाग भी चला लेती है और सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र, उसके पास मॉन्स्टर लेवल स्ट्रेंथ भी आ चुका है। मैं इस वजह से साकुरा को यूजलेस नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पास मॉन्स्टर लेवल स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर आ चुका है, नहीं। अगर तुम नारुतो देखते हो तो तुमको ये पता ही होगा द गट्स की एक ग्रुप है जो कि जिंजूरियो को ढूंढता है और उनके अंदर के स्पिरिट को सील करता है, जिसमें हमारे इताची उचिहा भी हैं जो कि नारुतो के पीछे हाथ धो के पड़े। और इस ग्रुप का हर एक मेंबर कितना ज्यादा पावरफुल है ये मुझे अलग से बताने की जरूरत भी नहीं है। और उसी ग्रुप का एक मेंबर जो कि है सासुरी, ये बंदा लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब मैं पावरफुल क्यों बोल रहा हूँ भाई, इसने हिडन इन द सैंड के थर्ड काजेकागे को भाई लिटरली मार के उसका पपेट बना दिया और वो हिडन इन द सैंड का सबसे ज्यादा पावरफुल काजेकागे था। और इसी सासुरी को भाई हमारे साकुरा ने बीट कर दिया। हाँ मैं मानता हूँ लेडी चियो ने साकुरा का मदद किया था, लेकिन हमारी लड़की को भी तुम हल्के में मत लो। इसने भाई लिटरली थर्ड काजेकागे को जो पपेट था उसको भाई एक स्मैश में उसके चिथड़े उड़ा दिए थे, जबकि वो पपेट सेम स्ट्रेंथ रखता था, सेम एबिलिटी भी रखता था, जस्ट बिकॉज ही इज अ ह्यूमन पपेट। सासुरी का क्रिएट किया हुआ पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि तुम पूछो ही मत। हिडन इन द सैंड का कोई भी मेडिकल निंजा इसका एंटीडोट बना नहीं पा रहा था, जबकि वहां पे साकुरा ने इसका एंटीडोट बना दिया। तो गुरु लोग नो डाउट साकुरा नॉट यूजलेस। वीडियो खत्म, भगवान से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को हिट करो ताकि ऐसे वीडियो तुमको आगे मिलते रहे।